बहुत कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट छुपा हुआ। एक एलपी रिकॉर्ड का कलेक्शन आपने मुझे दिखाया था, हाँ, और वो था सारा रॉक म्यूजिक का। और तब आपने मुझे ये भी बताया था कि मुझे बाइक्स एंड ये सब बहुत पसंद है, दैट कूल डूड जो आपने पूरा एक डिफरेंट रूप, यहाँ पे आपको वो ड्रीम पूरा करने का मौका मिला है। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना फंस चुके थे कि कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता। और मैं ये म्यूजिक लॉन्च मैं सोच रहा था वैसे ही कोई रिकॉर्ड होगा और हम सब खड़े होंगे, लेकिन वापस आ जाए वो दुनिया तो बड़ा मजा आएगा। और क्या पूछना चाह रहा था तुम? वही आपके अंदर जो छुपा हुआ है ये वाला टैलेंट, इन्होंने कहा कि पूरा ये फिल्म एक बहुत अच्छी बात इससे गई कि हम अपनी जिंदगी को रोक लेते हैं कि बस 12th पास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नौकरी मिल गई, बीवी बच्चे, फिर उसके बाद आगे की दुनिया, अब टेलीविज़न और मैं देखता रहूँगा, रात कट जाएगी। नहीं, इससे थोड़ी ऊपर की ज़िंदगी है जो कहती है चल जिंदगी। जब तक ऊपर वाले ने सांस दिया है तो एवरी मोमेंट जो लास्ट मोमेंट है, भगवान ना करे बुरा भी होता है लेकिन generous, he allowed us to also do things in a certain way, because अक्सर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर वहाँ पर आपको लगता है कि ये ठीक है लेकिन इससे कुछ और भी हो सकता है। सो ही वॉज वेरी जेनरस एंड वेरी ओपन एंड वंडरफुल एंड अलाउड अस टू रियली ब्रिंग समथिंग वेरी डीप अंदर से। बट ऑल्सो इट्स अ फन फिल्म टिल द एंड, सो यस आई वॉन्ट नॉट गिव अवे द रिलेशनशिप्स राइट नाउ। आई एम वेटिंग फॉर 3 months आपको ये गाना गाना पड़ेगा। और बोला देख भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या है गाने में तो तू मेरे लिए इतना दिन वेट कर रहा है? बोला नहीं ये आप ही का गाना है, आप ही गाओगे। तो मैंने जब सुना गाना तो मेरे को लगा कि बस बात है इसमें बहुत बड़ी। एंड अमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक कंपोज एंड लिरिकली फैंटास्टिक। मेरे को गा के इतना मज़ा आया वो गाना कि मैं क्या बताऊं। मैं थोड़ा सा टूर में था, वापस आते ही मैं बोला कि चलो एक दिन कर लेते हैं गाना, तो गाना किया उसने। शर्त रखी थी आपने कि मैं सुनूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो ही गाऊंगा, अदरवाइज नहीं। और सुनते ही आपने ओके किया एक बार। यस यस, थैंक यू सो मच। Yeah, we all should thank you for गाना। उन्होंने भेजा गाना, सुनते ही पसंद आया गाना, तो मैंने गा दिया। ऐसे पता चला बाद में कि संजय सर के ऊपर, बट आई नो नथिंग अबाउट दिस पिक्चर। पिक्चर इज गुड, सुना मैंने, एडवेंचर है, जर्नी है, बट सारे गाने अच्छे, सबसे बड़ी बात है आज के दिन में सारे गाने अच्छे होना बहुत बात हो गया। मैं बोला कि पिक्चर में अनिचर है, जर्नी है, और हर एक का अलग अलग स्टोरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है, जर्नी चल रहा है साथ में स्टोरी। अच्छा अच्छा विवेक एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी आर्टिस्ट है और उसे स्क्रीन पे देखने में हमेशा ही मजा आता है। एंड आई हैव नोन हिम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, तो आई एम 100% श्योर जो ये मूवी है चल जिंदगी आप लोगों को देख के बहुत मजा। एंड इज अ बाइकर बाय नेचर आल्सो, एंड इनफैक्ट वो इतने इंटरेस्टेड है बाइकिंग में कि उन्होंने दिव्यंका को भी एक बाइक दिला दी। मैं खुद उनके साथ एक बार टाउन तक गया हूँ जहाँ दोनों बाइकिंग कर रहे थे और मैं पीछे गाड़ी में जा रहा था, बिकॉज़ आई एम नॉट अ वेरी गुड बाइकर। सो फॉर विवेक, फॉर हिज बाइक्स, फॉर द लव ऑफ म्यूजिक, यू मस्ट वॉच। सो विवेक ने इस फिल्म के बारे में कुछ डिस्कस किया? बिल्कुल भी नहीं किया आज तक, तो मेरे को विजुअल भी नहीं दिखा। सरप्राइज है मतलब, पूरी तरह से। और कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस से, विवेक के फैंस से? वेल, मैं यही कहना चाहूंगा, इट्स अ टीम ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल, संजय सर, मीता मैम, विवेक, यू गाइस मस्ट सी द फिल्म। फॉर
these three and the music and the wadiyan of Leh and the Viking. So yes, go out, have fun, watch the movie. और जो लोग माने जो भी कोई रोड ट्रिप पे निकल जाए जो जिंदगी को और बाइक्स पे यू नो बाइकर्स का अपना एक होता है. मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बाइकर्स हैं तो मैंने जाना है कि वो एक अलग ही स्पीशीज होते हैं और वो लोग प्लान नहीं करते हैं. एक बार बाइक पे चढ़ गए तो कभी बनारस से निकले तो अगला फोन कॉल नेपाल से आता है कभी कभी. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक दे हैड अ लॉट ऑफ फन. मुझे लगा कि बस मुझे भी बाइक चलाने को मिलती तो मज़ा आ जाता. माई कैरेक्टर इज थोड़ा नॉस्टैल्जिक. जो लीड संजय जी का जो कैरेक्टर है उससे बहुत करीबी तरीके से जुड़ा हुआ है और वो ऑलमोस्ट फिल्म के आखिर में आता है. सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन द फिल्म एंड अभी उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी. सो आई लाइक टू वॉच. 100% मैं मतलब पूरी मीडिया के सामने आज का ज़माना ऐसा है ना कि भाई भाई पे विश्वास नहीं करता. ये मेरे क्लाइंट हैं और मेरे भाई मैं मानता हूँ इनको एंड ही सपोर्टेड मी अनकंडीशनली. कभी नहीं पूछा कि क्या कैसे, बस मेरे भाई बोलो, मैंने कहा यस सर ये इतना ओके डन. सो ये मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ में जहाँ पर एक दूसरे को ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी को देख के कोई इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी भी लाइफ स्टाइल बदल ले. और आप लोगों की मूवी में जब मैंने देखा इतने बाइक राइड कर रहे हैं सब लोग, शैलन भी, तुम पिलियन थे पूरे टाइम, बट मुझे पिलियन नहीं होना था, मुझे विवेक दहिया के पीछे बैठ के नहीं जाना था. तो आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देम, इवन आई शुड लर्न राइडिंग एंड मोटिवेट मत करो ऐसे लोग क्योंकि मैं भी पिलियन नहीं बनना चाहता. ये भी जगह थोड़े दिन रुक जाओ, अरे सर क्वेश्चन अच्छा लगा कि हाउ यू कैन डू इट ऑल. यानी बीइंग अ सिंगर एंड एक्टर सॉरी टू मैनेज बोथ दिस एंड एक्टर टुगेदर कैसे मैनेज.